प्लीज वेलकम सीजन 3 के सेटिस भोजपुरी एक्ट्रेस भारती, प्रोड्यूसर शरद एंड हीरो कम विलन परेशवा। अरे खुल जाएगा किस्मत का ताला, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा नाम वाला। आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस, आपकी दुआ चाहिए बस। अब तो मालिक आपकी दुआ चाहिए। गांव से आया हूँ, काका का बहुत बड़ा फैन, फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हीरो भी मैं बनूंगा। बस साइड हीरो की तलाश है, जब वो साइड से आएगा तब मिल ही जाएगा रे। लेडीज एंड जेंटलमैन, द फेमस सिंगर रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड टूर गोइंग टू कोयंबटूर, न्यू कंसर्ट इन सिंगापुर एंड कमिंग सून जौनपुर। बेटे यहाँ लिटिल चैंप्स का ऑडिशन नहीं चल रहा है, चल बाहर निकल मार ले। हे सर, हमारे सर को ऐसा वैसा ना समझिए, ये बहुत बड़े आदमी है। हाँ, 5'2" ढाई इंच। और हाँ, हमारे सर म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह है। और इनका नाम है अनु लीकेज। अनु लीकेज? हाँ, अरे सर मैं इतना टैलेंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ कि मेरे अंग अंग से टैलेंट लीक होता रहता है। सर आप जानते नहीं मेरा बैंड कितना बड़ा है। अबे जब तेरा बैंड इतना बड़ा है तो सिर्फ एक ड्रम लेके क्यों घूम रहा है तू? तेरी ये हिम्मत ही तेरी पर्सनालिटी को चार चांद लगा दी है। ये है इंडियन शकीरा। मैंने एक लेटेस्ट एल्बम बनाया है जिसमें मैंने इसे सानिया मिर्जा बनाया। अबे ये सानिया मिर्जा कैसे बनेगी? ये ले नथनिया और बन जा सानिया मिर्जा। हम गाते हैं गाना, मन करेला तोरा के हम ले लाई अखबार मा। अब लाए कितना दुबल पानी तोहरे प्यार मा, कजरारी अखियन का कुड़वा पान मारे ला 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 ला, सानिया मिर्जा कटना थनिया जान मारे ला, सानिया मिर्जा कटना थनिया जान मारे ला। सर एक बार आपकी फिल्म में मुझे चांस दे दीजिए। सर आपके बाकी सारे स्टार कास्ट के पैसे बच जाएंगे। देखिए सर, मुझे गाना आता है, नाचना आता है, हंसाना आता है, रुलाना आता है। और सर मेरे पास जो एक टैलेंट है ना, वो आज के किसी भी हीरो के पास नहीं। ये देखिए मेरे सिक्स पैक्स। अबे इसे सिक्स पैक नहीं, पेट की झुर्रियां कहते हैं। अगर आदमी 6 दिन तक खाना ना खाए तो ऐसी रेखाएं बन जाती है, ये कमजोरी की निशानी है। तू मेरे किसी काम का नहीं, चल गया। सर इनके पास ऐसा टैलेंट है जो इन दोनों के पास भी नहीं है। सर इनके पास कहानी है। है मेरे पास एक फर्स्ट क्लास कहानी है। मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में ले लिया, कहानी बताओ। सर कहानी में एक हीरो है और एक हीरोइन। हीरो हीरोइन से प्यार करता है। अबे फिल्म मेरी है, हीरो मैं बनूंगा। ठीक है तो मैं बन जाता हूँ विलन। हीरो हीरोइन से प्यार करती है लेकिन हीरोइन विलन से प्यार करती है। ये बिल्कुल ठीक हीरोइन नहीं है। क्यों? अरे देखो हीरोइन बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। सर ये मैं तुम्हें बोल के नहीं बताऊंगा। सर
मैं गा के बताऊंगा गा के। अरे हीरोइन बनने का खातिर देखा बाड़ू सपना, हीरोइन बनने के खातिर देखा बाड़ू सपना, एक बात मन में बैठा ले तू अपना, बॉडी दिखा भी लागे कपड़ा उतारी बड़े, मैंने कपड़ी तो का मिनी इस कट। जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट, जब भी बाड़ू तैयार तब भी बोला फटाफट। ये तो बहुत सही आइटम है यार। सर आइटम को छोड़िए और विलन को पकड़िए। हीरोइन विलन से प्यार करती है इसलिए हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो विलन को एक लाफा बजा देता है और फिर विलन हीरो को लेटा लेटा के मारता है। अबे हीरो के वापस आके नहीं मारेगा? नहीं, उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि वो किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। तो एक काम करो, तुम हीरो को कमीना दिखा दो, वो अपनी माँ की कसम तोड़ देता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हीरो का बाप विलन के कब्जे में है। यार तो हीरो के पूरी फिल्म में कुछ करेगा ही नहीं। नहीं नहीं करेगा ना सर, करेगा। सेकंड सीन, हीरो हीरोइन को उठाने आता है। यस यस, हिम्मत है तो उठा ले। अबे इसे कौन उठाएगा? हाँ घोड़ा, घोड़ा उठाएगा सर। हीरो घोड़े पर आ रहा है, सडनली हीरो को याद आता है कि उसने तो चप्पल ही नहीं पहने। वो घर वापस जाता है, जब हीरो घर से वापस आता है तो देखता है तो हीरोइन विलन के साथ भाग चुकी है। अरे यार फिर मिस हो गई यार। क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? आगे सर सीधा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में विलन की शादी हीरोइन से होती है। फिर क्या? हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो खुन्नस की आग में अपनी गन निकालता है और विलन पर तान देता है और गोली मार देता है। सर आप हीरो है, नेते आदमी पे कैसे गोली चलाएंगे? फिर हीरो हीरोइन को और विलन को देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। हृदय परिवर्तन, और वो इन दोनों को आशीर्वाद देता है। अरे यार मुझे तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आई, तुम जाओ ऐसे जाओ। एक मिनट सर, फोन आया। हेलो, यार टॉकिंग क्या? मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया। मेरी कहानी को ऑस्कर मिल गया सर। थैंक यू। अबे यार इस कहानी को ऑस्कर कैसे मिल सकता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जो उनको भी समझ में नहीं आता है उसी को उन लोग ऑस्कर दे देते हैं। थैंक यू। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज, राजीव एज मिस्टर इंडिया, रश्मि एज हवो हवाई एंड सलोनी एज मोगेम्बो। मेरे दादाजी ने एक गैजेट बनाया है जिसे पहन के वो गायब हो जाते हैं और फिर देश सेवा के लिए घर घर में जाके सेवा करते हैं। दादाजी आप कहाँ हैं? मल्लिका के बाथरूम में। आप गलत मत समझिए, एक्चुअली मल्लिका तो 3-3 दिन नहाती नहीं है, कहीं मेकअप ना उतर जाए, इसलिए उनके बाथरूम में नहाने चले जाते हैं दादाजी। वैसे कुछ नहीं है। दादाजी मत जाइए उधर, लड़की नहीं है वो, मेकअप करके पहलवान बैठा हुआ है, मत करो। गैजेट दे दीजिए, मुझे हवा हवाई को छुड़ाना है मोगैम्बो के अड्डे से प्लीज। दादाजी एक मिनट, दादाजी Mogambo! Oh! Mogambo khush hua! Oh, le, kitni pyali baatein karta hai! Kuch nahi! Kitna pyala bachcha hai na! Dekhiye, ye bachcha nahi hai, pure ka pura aadmi hai!
मुगैम्बो खुश हुआ। बॉस, इस पोज में तो कोई भी खुश होगा, छोड़ दीजिए उसको। छोड़? इसका क्या करना है बॉब क्रिस्टो? जो करना था वो तो आपने कर लिया। तू मिस्टर इंडिया को बुला। वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। क्यों? उसके मुंह पे पिंपल है क्या? वो सामने नहीं आएगा। बुला, वरना मैं बॉब क्रिस्टो को तुझ पर छोड़ दूंगा। ये हट हट हट, दूर चल, सीधा खड़ा रह। ये पकड़, थोड़ा ऊपर पकड़। अब थोड़ा हवा का इफेक्ट दो। अब मैं गाना गाऊंगी तो मिस्टर इंडिया जरूर आएगा। वो मिस्टर इंडिया है कि पुरानी फिल्मों का रंजीत? वो ऐसे ही आएगा। भागो! अरे ये तो भाग गया। ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया नजर क्यों नहीं आता? वो सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही दिखाई देता है। झूठ बोलता है, हम तो वहां पे रोज जाता है, वहां तो हमें दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे पास लाल कलर का चश्मा, अगर तुम पहनोगे तो तुम्हें भी दिखाई देगा मेरा मिस्टर इंडिया। What the hell is this? 25 रुपए के कलाकार को देखने के लिए 50 रुपए खर्चा करें? No, 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 sorry, 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 sorry. छोड़ो ना। क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता, बेचारी मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुमसे कह रही हूँ बदमाशी मत करो, सीधी तरह से सामने आ जाओ। वैसे भी पैसे तुम्हें उसी के मिलने हैं जिस सीन्स में तुम दिखाई दोगे। Hey, Mugambo! पहले Mugambo देखेगा। क्यों है मिस्टर इंडिया? तुम क्यों देखोगे पहले? क्योंकि मैंने 50 रुपए खर्च किए हैं इसके लिए। Hey, झकास! आ गए मेरे मिस्टर इंडिया। hey, मैं इधर खड़ा हूँ। लो, इधर ही कहीं होंगे मिस्टर इंडिया। Yes, मुझे गैजेट मिल गया। मैं गायब हो गया। Yes, hey! मैं गायब हो गया। अबे ओए, गैजेट बांधोगे तो गायब हो गए। ओके, तुमने वो गैजेट उसे क्यों दे दिया? पता, तुम जब नहीं दिखते हो तो कितना अच्छे से रोमांस करते हो। कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया था। अबे कल रात तो मेरे दादाजी ने गैजेट बांधा हुआ था। अबे ये बुड्ढा मेरा बाप पैदा करके ही मानेगा। ये गैजेट ने सबका फायदा किया, मेरी बारी आई तो निकल गया। कैसे सबका फायदा किया? अरे मुझसे पहले अर्चना जी के पास था। लेकिन अर्चना तो शुरू से ही शो में, वो तो कभी गायब नहीं हुई। उन्होंने आप नहीं बांधा ना, पहले जॉनी लीवर के बांधा फिर सतीश आके, दोनों गायब हो गए। आप दोनों भी ध्यान रखना। Mugambo खुश हुआ। लेकिन Mugambo तुमने तो वो लिया था गैजेट, तुम फिर भी दिख रहे हो। मैंने 3 चीजों के लिए वो गैजेट रखा है। किन 3 चीजों के लिए? आतंकवाद, महंगाई और तीसरा राम गोपाल वर्मा। आपने तो देश का भला कर दिया, अब उनसे पूछ लो कि हमारा कितना भला हुआ। राजीव, जोरदार तालियां राजीव के लिए। फिर डेंजर जोन में। मैं जब पैदा हुआ था तभी से डेंजर जोन में, 7 महीने का पैदा हो गया था, तो इनको लगा कि ये डेंजर जोन परफेक्शनिस्ट है, इसको लाओ। लेकिन अर्चना जी का तो डेंजर जोन में मैं ज़्यादा स्पेशलिस्ट इनको मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे टीम चुनती हैं डेंजर जोन के लिए, ख्याल ही अपनी टीम में रखा हुआ था। इससे बड़ी डेंजर जोन क्या होगी? मुझे हुसन दिया हुआ है, हुसन बानो दी हुई है, और सच्ची बात है ये तो पार्टनर दिए, कहीं ऐसी बीवी मिल जाए ना तो आदमी अपने बाप के साथ लड़ पड़ता है। छोड़ो, उसके क्या बात करते, मुझसे करो। और अगर बीवी कहीं भारती जैसी हो, आदमी रात को 10 बजे सोचता है यार बैठना ताश खेल, घर जाके क्या करना है। ऐसी खूबसूरत लड़कियां, हसीन लड़कियां, अगर इनको चौकीदार लगा दे तो बेस्ट जॉब। चोरियां होनी नहीं है। पूछो क्यों? आधी आधी रात को मर्द दरवाजे खोले हैं, चौकीदार नहीं नहीं आई। आज तो चौकीदार आवाज लगाता है ना, जागते रहो अंदर। अबे साले हमें जागना, तुझे नौकरी पे क्यों रखा है? और जब इसने आवाज लगानी है, जागते रहो ऐसे, जागते रहो।
अंदर से आवाज आनी है, हम तो जाग रहे, तुझे सोना तो आ जा। अगले दिन शिकायतें कैसी हो रही हैं, सुरिंदर जैसे आदमी उठ के शिकायतें कर रहे हैं, ठाकर साहब ये कोई बात है, इसको नौकरी से बाहर निकालो, ये करेक्टर लेस है। मैं, क्यों? अच्छा जी, तुम्हारे दरवाजे पे 4 सीटियां, हमारे दरवाजे पे 1। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। फेस ऑफ में अब अगले आ रहे हैं शेट्टीज के शरद, जोरदार तालियां। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात बताइए कैंसर जी, मुझसे जब ये लोग पूछने आए आप करेंगे, उन्होंने कहा कि सर्कस करना है। मैंने कहा इतना तो मुझे आता ही है तो मैं कर ही लूंगा। बाद में पता चला कि कॉमेडी भी करनी है, वो तो मुझे आती नहीं है। और वैसे भी अगर मैं यहाँ बताऊँ तो इसका रीजन है भारती, क्योंकि शेखर जी भारती को देख के ये नंबर काट देते हैं। मैं समझता हूँ कि आदमी जो किया है बहुत ही समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि मैंने फिर से गौर से देखा लेकिन फिर से मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ कि अर्चना जी मुझे पिंच कर देती हैं बाजू से, इतना मत समझो, मैंने समझ लिया है कि इनको 8 ही नंबर देने। अब चूंकि मैं आ गया हूँ यहाँ पर तो टाइम वेस्ट ना करके कुछ दिखाता हूँ जो मुझे मौका नहीं मिला है। गाना है पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। अगर ये गाना SP बालासुब्रमण्यम जी गाएं तो कैसे गाएंगे? क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात बता दे तू मुझको क्यों रब से तू नहीं डरती है। क्या रखा है पैसे में पैसे की लगा दू ढेरी। मैं बारिश कर दू पैसे की जो तू हो जाए मेरी। Thank you.